नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत घोषी द नेशनल फैक्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के तहत ग्राम महुआ खेड़ा से मीडिया प्रभारी। आज हम पहुंचे हैं शासकीय माध्यमिक शाला महुआ खेड़ा के प्रांगण में। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत आज खाद्यान्न भोजन वितरण किया गया बच्चों के लिए। तो हम आज पहुंचे हैं शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल महुआ खेड़ा। तो हम सब लोगों से विस्तृत जानकारी लेंगे, कितना पर व्यक्ति, कितना बच्चों को क्या क्या खाद्यान्न मिला। सर परिचय। मदन सिंह लोधी, EPS माध्यमिक शाला महुआ खेड़ा, राज्य प्रभारी प्रधान अध्यापक जी। सर, तो आज क्या किस कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न वितरण किया गया? मध्याह्न भोजन मद अंतर्गत बच्चों के लिए खाद्यान्न वितरण किया गया, जो दिसंबर से अप्रैल माह तक 5 माह का खाद्यान्न वितरित किया है जी। तो सर, कितना पर स्टूडेंट खाद्यान्न वितरण किया गया, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए और मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए? हमारी शाला में शाला EPS है, पर प्राइमरी और मिडिल की मद अलग अलग है, तो दोनों शालाओं के बच्चों के लिए अलग अलग मद से खाद्य मतलब राशन प्राप्त हुआ था। इसमें PPS में पर बच्चे 9 किलोग्राम गेहूँ और 1.5 किलो चावल वितरित किए गए, और माध्यमिक शाला में 11 किलोग्राम गेहूँ और 2 किलो चावल पर बच्चा वितरित किए गए जी। तो सर, आपकी शाला में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं? 151 बच्चे जी। प्राइमरी और मिडिल का? प्राइमरी में 91 और मिडिल में 60 बच्चे, 60 बच्चे जी। जी, तो सर आज 1 सितंबर है और राज्य शासन के निर्देशानुसार आज से 6वीं से 8वीं तक की क्लास स्टार्ट होनी थी, तो क्या रहा सर आपके यहाँ? अब सर, हमारे यहाँ ये खाद्यान्न रखा हुआ था, इसके पहले वैक्सीनेशन के पहले सर्वे, ये खाद्यान्न वितरित नहीं कर पाए थे, तो आज शुरू दिन बच्चा सारा भी आए और उनके लिए मतलब बच्चों का सारा आगमन भी हो गया और बच्चों के लिए खाद्यान्न वितरित हो गया जी। और फिर शाला विस्तृत शाला खुलना भी नहीं जी, तो बच्चों को 50% उपस्थिति के साथ बुलाना है, तो वही देखेंगे अब 2 तारीख से। अब आज बच्चों का स्कूल आगमन हो चुका है जी। तो सर, हमारे पंचायत में जितने बच्चे हैं, तो सर वो कब से यहाँ स्कूल आना स्टार्ट हो जाएंगे? तो 50% का टारगेट है कक्षा 6 से 8। BS में तो अभी वही ऑनलाइन सिस्टम चलेगा जी। MS में 50% बच्चे बुलाना है, तो 50% बच्चों के हिसाब से हम लोग निर्धारित करेंगे कि किस दिन किस बच्चे को बुलाया जाए, एक शेड्यूल बनाकर। तो सर ये बताइए कि जो सर अभी कक्षाएं लगनी है, तो उसके लिए सर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की? बिल्कुल, सफाई स्कूलों की हो चुकी है, अब सैनिटाइजेशन का देखेंगे जी। और कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही शाला को अपन लोग शुरू करेंगे जी। तो सर, अभी कोरोना के कारण जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि सर आप? अब शाला के साथ साथ अभी थोड़े से अभिभावक भी जवाबदारी लें, हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं ही, उनके संपर्क में हैं जी। अब शिक्षकों के साथ साथ यदि अभिभावकों का साथ मिले, तो बच्चों का स्तर हो सकता है जो बना रहे जी। धन्यवाद सर। मैं अमृत घोषी द नेशनल फैक्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत स्कूल आएं एवं आगे की पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।